बात कर रहे हैं किसान क्रांति यात्रा की। किसानों ने दिल्ली में कूच कर दिया है, वहीं अब ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। अपने कर्ज माफी और कई तरह की मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दिल्ली में किसान घुस चुके हैं। तो किसानों का आंदोलन अब उग्र हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान और पुलिस बल आमने सामने आ चुके हैं। किसानों ने पूरी सड़क को जाम कर दिया है। वहीं पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है, जिसमें आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज से किसान घायल हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों का ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। वहीं प्रशासन सुरक्षा के चलते अब कार्रवाई कर रहा है, इसके साथ ही उसने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आपको बता दें बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में किसान प्रवेश कर चुके हैं, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान लाठीचार्ज से घायल हो गया है। दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान प्रवेश कर चुके हैं, वहीं उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं पुलिस बल को जवाब देते हुए किसान अब प्रवेश कर चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पर। आपको बता दें 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाठीचार्ज से किस तरह किसान घायल हो चुके हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन अब उग्र हो गया है, हिंसक हो गया है ये आंदोलन। वहीं प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह तैनात है, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज के कारण किसान अब घायल हो चुके हैं। वहीं ये हिंसक रूप लेता जा रहा है ये आंदोलन। आपको बता दें कल शाम किसानों के कैंडल ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर यूपी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला। वहीं आज जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अगर कोई फैसला सामने आता है, उसके पहले ही किसानों का इस तरह का उग्र प्रदर्शन या इस तरह का हिंसक जो प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि किसानों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि उनकी मांगों को सरकार नहीं मानेगी। दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए किसानों पर पानी की बौछार की गई है, वहीं किसानों को रोकने के लिए उनके ट्रैक्टरों की हवा निकाली गई है। बैरिकेडिंग तोड़कर ये किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, वही हिंसक रूप ले चुका है ये आंदोलन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी की बौछारें की गई है किसानों को रोकने के लिए। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों का प्रदर्शन अब ये हिंसक रूप ले चुका है। वही किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, इसके साथ ही लाठी चार्ज किया है किसानों पर, जिससे कई किसान घायल हुए हैं। कर्ज माफी सहित करीब दर्जन भर मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में लगभग 30,000 किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे किसान घायल हो गए हैं, कई किसान घायल हुए हैं। आपको बता दें यूपी गेट पर दिल्ली पुलिस के अफसर जवानों को संयम बरतने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद भी लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं किसान,
पूरी सड़क को घेर रखा है किसानों ने, आमने सामने हो गया है पुलिस बल और किसान। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के अलावा पानी की बौछार की जा रही है किसानों पर। दिल्ली से संवाददाता संजय वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, जैसा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इसके पहले ही हिंसक हो चुका है आंदोलन, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हरिद्वार से ये किसान आंदोलन चला था, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार ये कल से जमाव था, आज वो दिल्ली घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था, किसी भी सूरत में उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता। और इसी को लेकर जब किसान जो है काफी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसके बाद पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उसके बाद जब वो नहीं है तो आप देश के लगातार घुसने छोड़ गए, जिससे किसान और हो गए। उसके बाद लगातार किसान वहां पर किसानों ने जो है पुलिस पर पत्थरबाजी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी लाके, और काफी अभी वहां पर जो तनाव है किसानों को काफी उग्र हुए पड़े हैं, और किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि वो दिल्ली में जाए या किसान घाट पर पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी उनकी बातचीत चल रही है। पुलिस अधिकारी जो है हालांकि उनसे मनाने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह का तनाव वहां पर लगातार बना हुआ है, जिस तरह से आंसू गैस का वहां पर प्रयोग हुआ, इसके अलावा हवाई फायरिंग की भी खबर आ रही है कि वहां पर हवाई फायरिंग भी है किसानों को तितर बितर करने के लिए। जी जी संजय, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट नरेश टिकैत ने कहा कि आखिर क्यों हमें यूपी दिल्ली सीमा पर जाने से रोका गया है, क्यों रोका जा रहा है, उनका सवाल भी ये जायज है, अनुशासन के साथ रैली की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रोका जा रहा है, वो आखिर यही जानना चाहते थे कि क्यों यूपी दिल्ली सीमा पर उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है। देखिए लगातार कल से कमोबेश यही बात चल रही थी, कई लेवल पर उनकी बातचीत चल रही थी, हालांकि उनको ये साफ कर दिया गया किसी भी स्थिति में पुलिस और प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी स्थिति में आप उनको किसान जो जितने भी किसान आंदोलन है कर रहे हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं है, इसलिए कल रात से ही बॉर्डर को सील कर दिया गया था, चारों तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद किसान जो थे वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, उनका कहना था कि हम भी पूर्व तरीके से वहां जाना चाहते किसान का, क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी है और लाल बहादुर शास्त्री भी जन्म हुआ है, तो उसको लेकर वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि आने के, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर बॉर्डर पर क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे और प्रशासनिक जो अधिकारी किसी भी सूरत में उनको दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते थे, और इसी को लेकर वहाँ पर भारी तनाव हुआ, जब ट्रैक्टर लेकर किसान जब बैरिकेटिंग तोड़ने लगे तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, पुलिस ने वहां पर वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन वाटर कैनन का प्रयोग से किसान नहीं रुके, तो उसके बाद उनको आंसू गैस चलाने के बाद किसान जो है वो काफी उग्र हो गए, उन्होंने पत्थरबाजी दी, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग की किसानों को तितर बितर करने की कोशिश भी की जा रही है, और कुछ किसान नेताओं से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आला जो अधिकारी है प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये किसी भी तरह दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। जी जी संजय, जैसा कि शांतिपूर्ण आंदोलन किसान कर रहे थे, वहीं इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है आंदोलनरत किसानों के ऊपर, तो अन्नदाता के ऊपर ये इस तरह का व्यवहार क्यों? देखिए सवाल यही है कि आखिर जब वो उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे यहाँ पर किसान घाट पे आंदोलन वो करेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट उनको ग्रैंड लागू करनी चाहिए, इसके अलावा भी जो उनके कर्ज माफी की बात थी और कई जो मुद्दे थे वो लगातार उसको लेकर मांग कर रहे थे, और इसी को लेकर किसान आंदोलन जो था वो हरिद्वार से चला था, हरिद्वार से पहुंच के किसान घाट पर समाप्त हो रहा था, लेकिन कल से जब डेरेरा जमे हुए ये गाजियाबाद बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर से वहां पर थे, तो जो दिल्ली के तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर इनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, और इसी को लेकर काफी इनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई थी और काफी बात भी हुई थी, लेकिन ना किसान भी अपनी बात पर अड़े रहे और प्रशासन भी अपने बात पर अड़ा रहा, और जब ये आज सुबह जब राजघाट ये बॉर्डर पार करने की कोशिश की तो उसको लेकर वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, उसको लेकर तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव होने के बाद जब बैरिकेटिंग तोड़े गए तो पुलिस को भी क्या के तौर पर वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद जब किसान और उग्र हुए तो उसके बाद आंसू गैस से लगातार कई गोले छोड़े गए और किसानों पर लाठी चार्ज भी किया गया, यही उनकी मांग थी कि वो अपनी लगातार अपनी मांग को मनाने के लिए उनका सीधा सा कहना था कि हम जो भी बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, उनसे वो मांग करना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारियों से उनकी बात थी वो लगातार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे, और इसके चलते जो इतना बड़ा वहां पर अब हंगामा बरपा हुआ है।
जी संजय, जैसा कि 23 सितंबर से हरिद्वार से ये किसान क्रांति पदयात्रा शुरू हुई थी, कहीं भी हिंसक रूप नहीं दिखा, कहीं भी उग्र आंदोलन नहीं किसानों ने किया, लेकिन ये दिल्ली में ही आने पर प्रवेश क्यों, प्रवेश पर रोक क्यों लगाई गई किसानों के? देखिए यहीं पर बात है कि आखिर जब वो किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आते और 23 तारीख से वो लगातार वो चल रहे थे पूरे हफ्ते कहीं पे भी ऐसा काम नहीं कर पा रहा। जी संजय जी, आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी सुन लेते हैं किसान क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें एक पत्रकार भी घायल हुआ है यहाँ पर, हाँ, और यहाँ दो साथी और हुए, यहाँ पे किसान घायल हुए यहाँ पे। आज इस देश का अन्नदाता यहाँ अपने हक के लिए शांतिपूर्ण अपना वो करने आया है, अपनी मांग मांगने आया, उसके बावजूद यहाँ किसानों पर गोली, यहाँ पर जो तानाशाही गोली चल रही है, शांतिपूर्ण चल रही है, और ये सरकार बिल्कुल विफल है और ये किसान विरोधी सरकार है। हमने सारा कार्य शांतिपूर्वक चलता आ रहा हमारा, हम 23 तारीख से चले हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक चले, लेकिन हमें शांति दिए, हमारी शांति को भंग कर रहे हैं सरकार। हमारा कोई साथ नहीं दी, कोई सहयोग नहीं दे रही सरकार ने। हमारे किसानों के ऊपर गोली बरसाई, अभी भी गोली बरसाई, आपने देखा होगा, आपको दिखाया मैंने चित्र, गोली बरसाई, ट्रैक्टर का नुकसान किया। हम कहां जाए, ये कह रहे एनसीआर में ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर को बेच दो 10 साल के बाद। अरे एनसीआर की कोस तो दो हमें, एनसीआर की कोस तो हम ट्रैक्टर ही नहीं चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाना भूल जाएंगे। यहाँ 20-20 लाख रुपए, 20-20 करोड़ रुपए बीघा जमीन बिक रही है हमारी, 2 लाख रुपए बीघा बिक रही है। हमें एनसीआर के रेट तो दे दो, हम तो खूब चलाएंगे हम ट्रैक्टर। सरकार का कोई सांसद विधायक हम अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। अब जो भी विधायक का सांसद हमारे गांव में आओगे ना, उसका जो है और हिसाब से स्वागत किया जाएगा। आने वाले टाइम में इस भारतीय जनता पार्टी का महानाश होना है। किसान कोई भी इस भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहर खड़ा नहीं होने देगा। ये किसान का नुकसान कर रही है, सिर्फ किसान का। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह हरियाणा से आ रहे हैं हम पीछे पड़ रहे भाई। हेलो दोस्त, जी संजय जी, जैसा कि किसान का गुस्सा जो है साफ तौर पर बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है, उनका कहना है ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों ने तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों के लिए की हर मांग को पूरा किया है, फिर इस तरह का ये माहौल क्यों बनता जा रहा है? की किसी तरह से भी अब जो है आखिर में किसान का धैर्य टूट गया जब वो किसानों ने मांगे हमारी, जिस तरह से एक प्राइमरी का मास्टर पहले 1967 में उसकी तनख्वाह होती थी, उसके आधार पे उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई है, इसी तरह से हमारी भी किसान की जो मांगे थी, जो हमारे 1967 में रेट थे, 2-3 क्विंटल गेहूं बेच के हम सोना खरीद लेते थे, आज हमें 30 क्विंटल गेहूं बेच के सोना खरीदना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता हमें। तो इस तरह से हमारी भी किसान की फसलों के जो दाम है वो हमारे बढ़ाए जाएं, और उसी तरह से हमें वाजिब दाम मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की हमारी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, और इसके बाद भी हमारी दूध का हमारा सत्यानाश हो गया, विदेशों से दूध मंगाते हैं सस्ते रेटों पे और हमारा खरीदते नहीं है। ये क्रांतिकारी जो यात्रा चल रही है बड़ी शांतमय चल रही है, पर बदकिस्मत है के मोदी सरकार है जो वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। पर हम इस अराध्य में टिकैत साहब के साथ पंजाब से भी 10,000 किसानों का जत्था लेकर इतने पहुंचे हुए हैं। ये सर हम लोग चित्रकूट यूपी से हैं, ये सरकार टोटल किसान विरोधी है। यदि सबके आयोग बने हैं तो किसानों को भी आयोग बनना चाहिए। किसान का दूध बेकार जा रहा है, उसके फसलों को सही दाम नहीं मिल रहा है।